अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब जब बकरीद बिल्कुल कुछ ही दिनों पर आ पहुंची है, लेकिन माशरे में इतना डर खौफ देखा जा रहा है कि कहीं पर भी आपको बड़े जानवर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हुकूमत ने मखसूस समाज और खासकर मुसलमानों की ईद उल अज़हा को लेकर इतनी सख्त गाइडलाइन जारी की है कि तकरीबन सभी लोगों ने इस पर अमल करने का फैसला भले मजबूरी में ही क्यों ना हो लेकिन ले लिया है और मान भी लिया है। अब इसके भी अलग अलग पहलू देखे जा रहे हैं। अब कुछ लोग जो गोश्त के कारोबार में अरसे से हैं और यही इनकी रोज रोटी है, कई जगहों पर कुछ ले देकर मामले को चलाते रहते हैं। बेलगाम और अतराब से गोवा के लिए भी काफी बिप जाता है, लेकिन एक और इतला के मुताबिक जो जानवर देते हैं या फिर कुछ अपने आप को कथित गोरक्षक बताकर गाड़ियों को रोक लेते हैं और लाखों की कमाई भी हो जाती है। हाल ही में बेलगाम शहर उतराब में इस तरह की वारदातें पेश आ रही हैं और इसमें इजाफा भी हुआ। इसे जुल्म कहा जाए, ज्यादती कही जाए, धोखा कहा जाए या फिर जो ले जाने वाले हैं इनकी हिमाकत कहा जाए, इसमें बड़ी संजीदगी से इंतजामिया को भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अक्सर यही महसूस किया जाता है कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे साबित होते हैं। मामला किसान से ही शुरू होता है, जब जानवर देने वाला गैर मुस्लिम, बेचने वाला गैर मुस्लिम, लेकिन जब खरीद कर इसे जुबागा की तरफ लाया जाता है तो तमाम कानून इसी कुरेश पर लागू हो जाते हैं और इसी के सर मार दिए जाते हैं। लिहाजा इस बार सख्त कानून की वजह से खुद किसान भी मजबूर है। आखिर उन जानवरों का, खासकर बैलों का क्या किया जाए जो काम के नहीं है या फिर उम्र रसीदा है या बीमार है, कमजोर है। हासिल इतला के मुताबिक कुछ किसानों ने बैलों की विधानसभा के सामने लाकर बांधने की धमकी दी है। क्या हमने इन्हें वोट इसलिए दिया ताकि इस तरह के कानूनों को मंजूरी दी जाए? मुझे इस जानवर को बेचना है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा, ऐसा इसे कहते हुए देखा जा सकता है। आप देखिए ये भगवा गमछा पहनकर जो किसान क्या कहना चाहता है, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೊಯ್ದು ಕೇಳರ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡದಂದ್ರ ಎಲ್ಲರ ರೈತ ಒಯ್ಯನ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಿಶನ್ಗೆ ಕಟ್ಟದ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವ್ ದುಡ್ದು ನಾವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಶಿವ್ರ ಶಂಟ ಹರಿಯಾನ ಇವ್ರು ನಾವ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ಸೊಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿಗೆ ಗಂಜಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಬಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ತಿನ್ನಕ್ ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೇವೆ, ನಮ್ ಹೆಂಚಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಬೊಮ್ಮಯ್ಯರೇ, ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿರಿ ರೈತರುಗಳು? ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ನಮ್ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತವೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಏನ್ ಗೋಳ ಹಚ್ಚಿರ ಹತ್ತಿರ ರೈತರಿಗೆ। इस वीडियो में ये किसान क्या कह रहा है? बेलगाम जिला के कई तालुकाओं में जानवरों के बाजार लगते हैं जहां पर अक्सर किसान अपने बैलों को बेच देते हैं, लेकिन पिछले 2021 का कैटल बिल को पास किया गया जिसमें बैलों को भी न काटने का कानून मंजूर किया गया। अब इसे सख्ती से अमल करने का हुक्म रियासत की हुकूमत ने दिया है। पहले से ही परेशान किसान की परेशानियों में और इजाफा किया जा रहा है। यह अलग बात है कि बीफ एक्सपोर्टर कौन है, कौन कारोबार करता है, कौन करोड़ों रुपए कमाता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कैसे बना वगैरह, लेकिन मुजरिम वही कहलाता है जो महज एक या दो किलो गोश्त खाता है जिसके खुले आम मॉब लिंचिंग की जाती है। शायद कभी इस तरह का भी कानून मंजूर किया जाएगा सोचा नहीं होगा। मैं मुस्लिम समाज को तकलीफ देने का मकसद तो समझ में आता है, लेकिन उन लाखों किसानों का क्या जो बूढ़े कमजोर जानवरों को बेचकर नया जानवर खरीदना चाहते हैं और इसी यही पे उनकी रोजी रोटी हुई, यही काश्तकारी तो इनका कारोबार है। और दूसरी बात ये भी बहुत लोगों ने देखा है कि गौशालाओं की क्या हालत है। ऐसे कई वाकयात सामने आ जाते हैं जहां जानवरों की ठीक से देखभाल नहीं की जाती बल्कि खाने को चारा तक नहीं दिया जाता और चारा न होने के बिना पर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। क्या ऐसे वक्त में आस्था को ठेस नहीं पहुंचती? इसी योगी आदित्यनाथ के राज में देख सकते हैं कि कई गौशालाओं में क्या हालत है। क्या इनके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती? तमाम मामलात के पीछे महज एक समाज को निशाना बनाना है। खैर, अब दूसरा पहलू भी बड़ा अजीब है। अब जब इस कानून को लाया गया, मुसलमानों ने इसे सर तस्लीम खम कर लिया, मस्जिदों से ऐलानात भी हुए,
अब कुछ मुनाफिक किस्म के लोग भी इसमें पाए जाते हैं और अपने मुफाद हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। पहले तो उन लोगों पर ताज्जुब होता है कि जो अपने आप को मिल्लत के गमख्वार फिर कौम के हमदर्द हुए होते हैं, आगे बढ़कर ऐलान इस तरह से करते हैं कि इस बार अगर आप कुर्बानी नहीं दे रहे हैं तो यह बड़ी कुर्बानी, मतलब एक फरीजे से रोक कर कहा जा रहा है कि कुर्बानी न करना भी एक कुर्बानी है, इसे क्या कहा जाए। और ये लोग मुसलमानों के जिम्मेदार बनते कैसे और इन्हें मुसलमानों की जानिब से ऐसे बयान देने का हुक्म देता कौन है। खैर, इससे भी आगे बढ़कर मोहल्ले के कुछ लोगों को इंतजामिया फिर फिरका परस्त तंजीमों के अफराद और खासकर फिरका परस्त पार्टियों में अपने आप को बड़ा देशभक्त साबित करने वाले कुछ लोग होते हैं जो मोहल्ले में कहां कहां जानवरों को रखा है घूम फिर कर मालूम कर लेते हैं या फिर घूम फिर कर ये पता लगाते हैं कि कहां जानवर है। और ये बिला खौफ घूमते हैं क्योंकि अपने अंदर के मुनाफिक जो होते हैं ये खबर जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद का तमाशा तो सभी जानते हैं, पुलिस थाना फिर मुकदमे या मांडोली और मुकदमा न हो इसके लिए पैसे, मतलब किसी तरह का कोई अल्लाह रसूल या उम्मत का दर्द आपको इनमें नजर नहीं आएगा। लिहाजा इन लोगों से सबसे ज्यादा खतरा है और ये मुखबिरी गांजा फरोख्त या चोरी करने वालों से ज्यादा करवाई जाती है और ये उनका इंतजामिया का एक तरह का वो नज्म है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे भाजपा जैसे सियासी पार्टी उदयपुर मामले को मुल्क सत्ता पर फसाद का जरिया बनाना चाहती है। इस दौर के मुनाफिक कैसे होंगे इस पर एक अलग वीडियो जरूर बनाएंगे क्योंकि अब अक्सर ऐसे अफराद माशरे में पाए जाते हैं जो पैसे रुपए के लिए ईमान का सौदा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं, बस इसे इसकी अपनी जान बचानी होती। अब भाजपा में जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, ये अलग बात है कि इन्हें पार्टी में नहीं लिया जाता और अगर लिया भी जाता है तो फिर उदयपुर जैसे काम इन्हें अंजाम देने के लिए काम दिए जाते हैं। खैर, आज का मौजू यही है कि कानून तो एक ही है लेकिन दो अलग अलग धर्मों के लोगों पर अलग अलग तरीके से नाफिज किया जाता है। जैसे नूपुर शर्मा और मोहम्मद जुबेर पर कानून और दफाएं एक जैसी हैं लेकिन जिसकी वजह से दुनिया भर में शर्मिंदगी फजीहत थूतू हुई उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं, लेकिन मोहम्मद जुबैर पर फर्ज ट्वीट के लिए गिरफ्तारी और अब तो नया मुकदमा भी दर्ज किया गया और पुलिस हिरासत और भी बढ़ा दी गई है। इसी तरह भारत के ही आसाम यानी कि गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में जानवरों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है लेकिन कानून अगर मुसलमानों की बात होता है तो सख्त किया जाता है। हालांकि कई सारी सामाजिक तंजीमें जो जानवरों के कत्ल को लेकर एतराज दर्ज करते रहते हैं इनका भी यहाँ कोई नहीं सुनता। क्या यात्राओं में इस तरह का मंजर नहीं देखा जाता? लेकिन बहुत कम जगहों पर पुलिस कार्रवाई की जाती है। क्या वहां जाकर 13 साल से ऊपर के जानवरों की उम्र चेक की जाती है? क्या उनकी पैदाइश की तारीख देखी जाती है जानवरों की? लेकिन वहां नहीं देखी जाती, लेकिन यहां पर जब कुर्बानी के लिए ले जाया जाता है तो यहां पर जो है बहुत सारे कागजात आपको पेश करने जाते हैं। यहां तक 2019 में इसी कामाख्या मंदिर में एक इंसान की बलि भी दी गई ऐसी खबर भी पाई गई, मशहूर अंबुबाची मेला में दी गई थी ऐसी खबरें भी टीवी में दिखाई गई। इसी कामाख्या मंदिर के पीछे खातून का बिना सर का धड़ बरामद किया गया था जिसका तस्करा मीडिया में भी काफी हुआ शक जाहिर किया गया था। अब तक उसकी कुछ खबरें खुलकर नहीं आई लेकिन यहाँ सरकार खामोश इसलिए होती है क्योंकि किसी समाज के लोग नाराज ना हो जाएंगे। लिहाजा जानवरों की कुर्बानी आने वाले साल और क्या शक्ल इख्तियार कर लेती है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कानून में 3 साल से लेकर 7 साल की सजा और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना तय किया गया है। अब कौन होगा जो इतनी सख्त सजा के बावजूद बड़े जानवर मंगाएगा? लेकिन समाज को भी सोचना चाहिए कि सख्त कानून तो एक समाज को परेशान करने के लिए लाए जा रहे लेकिन किसान इसमें खामखा पीसा जा रहा है। आज भी सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी कर रहे हैं। लिहाजा इतना जरूर है कि कुर्बानी की ईद मुश्किल कानून किसी समाज के दीनी दायरों को तंग तो जरूर कर रही है। जरूरत है कुर्बानी के मकसद को भी समझने की कि तुम्हारा खून और गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुंचता बल्कि तुम्हारी नियत अल्लाह देखता है। मतलब ये मश्क उस मकसद को याद दिला रही है कि अगर अल्लाह का हुक्म हो तो अपनी महबूब तरीन चीज को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देनी चाहिए, फिर वो तुम्हारी औलाद ही क्यों ना हो। भाजपा को हराना तो बहुत मुश्किल है और महाराष्ट्र की शिवसेना की हुकूमत को गिराकर और शिवसेना बागियों को अपने साथ लेकर जब भाजपा हुकूमतों को गिरा सकती है और हुकूमत बना भी सकती है तो इतनी आसानी से भाजपा कर्नाटक की भी हुकूमत छोड़ नहीं सकती, ये समझना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सौंदत्ती से सतीश जारकवाड़ी बतौर उम्मीदवार हो सकते हैं कहा जा रहा था लेकिन अब सिद्धरामैया भी सौंदत्ती से अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर सकते हैं कि खबरें गश्त कर रही है। इसी तरह बेलगाम नॉर्थ और साउथ पर भी गहमागहमी देखी जा रही है। तमाम सियासी पार्टियों की नजरें मुस्लिम वोट बैंक पर है, खासकर बेलगाम नॉर्थ पर कांग्रेस जेडीएस एमआईएम और आम आदमी पार्टी के। लेकिन बेलगाम जिले में उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस के कई गिरोह सरगर्म है और मुख्तलिफ जगहों पर मीटिंगों का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस बात की भी चर्चा जारी है कि
इख्तदार तक पहुंचना कोई आसान नहीं है, इसके बावजूद कांग्रेस गिरोबंदी में मुलविस देखी जा रही है। आज के पीसीसी सदर सतीश जारकिहोली को गोकाक में साफियों ने सवाल पूछा तो सिद्धरामैया वाली खबर का इनकार किया। बेलगाम किला रेलवे ट्रैक के करीब गांधीनगर के हुसैन शेख की लाश को बरामद किया गया। अभी तक इस बात की वजाहत नहीं हुई है कि आखिर यह खुदकुशी है या कत्ल या कुछ और मामला हो सकता है, कहीं कत्ल वाला मामला तो नहीं, ऐसी भी चर्चा जारी है। हासिल इत्तला के मुताबिक किला के करीब समर्थ नगर रेलवे पटरियों के पास सुबह लाश होने की खबर पुलिस को हासिल हुई। तहकीक के बाद गांधीनगर के हुसैन शेख की शनाख्त हो गई। हुसैन शेख मजदूरी करता था, घर की जिम्मेदारी इसी के कंधे पर होने की बात कही जा रही है। अब इसकी मौत की वजह क्या हो सकती है, इसकी तहकीक पुलिस की जानिब से की जा रही है। मामला रेलवे पुलिस में दर्ज किया गया। हुसैन शेख के पीछे बीवी और दो बच्चे हैं, जिन पर हुसैन की मौत के बाद पहाड़ टूट गया है। बेलगाम फखर मिल्लत में बाशबन एजुकेशन सोसाइटी के तमाम असातिज़ाओं के लिए दो रोज़ा तरबियती कैंप का एहतमाम किया जाता है। इसमें बाशबन सोसाइटी के 6 तमाम इदारों के असातिज़ाओं ने शिरकत फरमाई। जनाब अल्ताफ जहांगीर ने इनकी तरबियत फरमाई। इस वक्त मुस्लिम लीग के कायद दस्तगीर आगा इन्होंने भी अपने ख्याल का इजहार किया। खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप सब यहाँ पर एंजॉय करें सेशन, और जो सीखने को मिला आपको ये जो है आमरी तौर पर आप जो है करके भी जैसा ये पता है कि बेसिस है तो एक ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट है, फिर आपको कभी कभार ग्राउंड में लेकर जाकर या हॉल में, हमारे पास हॉल है, हॉल में आपकी जितना आप एक्टिविटीज कराएंगे बच्चों के दिमाग में उतना ज्यादा बढ़ता है। प्रैक्टिकल जो चीज होती है वो हमेशा के वास्ते दिमाग में रहता है। किस तरह से हम बच्चों की स्पीकिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। फाइन, नाउ विल डू वन थिंग, विल डू अ वर्क अ लिटिल ऑन प्रोनंसिएशन एंड टिप्स ऑन स्पोकन इंग्लिश, देन विल कम बैक टू अवर लास्ट सेशन। फाइन, स्टार्ट एवरीवन। डिस्कशन सुबह में हुआ है, ये प्रोनाउंसिएशन वाली एक्टिविटी आप कैसे करेंगे। यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लैंक शीट, ब्लैंक चार्ट, एंड द होल क्लास स्टैंड्स लाइक दिस। यू कलेक्ट द वर्ड्स एंड देन हाउ डू यू रीड द फर्स्ट वर्ड, हाउ डू यू रीड दिस वन, प्रोनाउंसिएशन, दिस वन, थैंक यू, थैंक्स, टेलर, garage and garage, both. Railway, food. It's a long word. Food. Next one. What's the last sound?